नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं देश की बात। 2019 के संग्राम के आखिरी दो चरण बचे हुए हैं और इन दो चरणों की पूरी सियासत का निचोड़ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। देश की राजधानी दिल्ली का चुनाव हो या प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी सीट पर होने वाला चुनाव, अगले दो दौर में कुल 118 सीटों पर चुनाव होना है। लेकिन ठीक इन्हीं चुनावों से पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर सियासत में उबाल आया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 3 दशक पीछे जाकर कांग्रेस को राजीव गांधी के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचारों की याद दिलाई तो कांग्रेस में खलबली मच गई। राहुल गांधी ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए कहा कि पीएम मोदी कुछ भी कहें उनके परिवार के बारे में, लेकिन उनके दिल में सिर्फ प्यार है। वहीं प्रियंका ने दिनकर की कविता के बहाने पीएम की तुलना दुर्योधन से की तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी पलटवार करते हुए कहा कि कौन दुर्योधन है और कौन अर्जुन, ये 23 मई को साफ हो जाएगा। उधर ममता बनर्जी और पीएम मोदी के बीच बयानों का युद्ध अलग चल रहा है। ममता ने पहले तो नरेंद्र मोदी को अपना पीएम मानने से इनकार कर दिया था और फिर थप्पड़ मारने वाला एक और बयान देकर खुद को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। आज देश की बात में राजीव गांधी के नाम पर चल रही सियासत और उसके आसपास चल रहे वाक युद्ध की, जिसमें कई बार मर्यादाएं टूट रही हैं, इन्हीं पर होगी आज देश की बात। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, मुद्दा समझिए, लौट कर आएंगे तो मेहमानों का पैनल होगा जिनके साथ करेंगे आज हम देश की बात। कभी हिंदू आतंकवाद पर कांग्रेस पर हमला, कभी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत पर पॉलिटिकल स्ट्राइक, कभी राहुल की नागरिकता पर सवाल तो कभी वायनाड जाने पर रणछोड़ दास का तमगा। 2019 के चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त आक्रामक रुख अपनाए दिखी। बीजेपी ने कांग्रेस को, खासकर राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। लेकिन अंतिम और निर्णायक दो चरणों से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान सियासी भूचाल ले आया है। राफेल के मुद्दे पर पीएम के खिलाफ चौकीदार चोर है का नारा लगाने वाली कांग्रेस पर पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचारों का मुद्दा उठाया। शुरुआत यूपी के प्रतापगढ़ की चुनावी रैली से हुई, जहां पीएम मोदी ने राहुल गांधी को उनके पिता राजीव गांधी की याद दिलाते हुए उन्हें भ्रष्टाचारी कहा तो कांग्रेसी खेमे में खलबली मच गई। जवाब राहुल और प्रियंका दोनों ने यह कहकर दिया कि पीएम मोदी ने राजनीति के लिए उनके पिता की शहादत का अपमान किया है। राहुल ने यहां तक कहा कि उनके परिवार को पीएम कितना भी निशाने पर लें, लेकिन उनके दिल से सिर्फ प्यार निकलेगा। कितना भी क्रोध हो, आप मेरे पिता के बारे में, माता के बारे में, नाना नानी, दादा दादी, सबके बारे में जो कहना है आप कहो। आप मेरे ओर जितनी भी नफरत फेंकोगे, मेरे दिल से सिर्फ प्यार वापस आएगा। लेकिन पीएम मोदी न सिर्फ अपने बयान पर कायम है बल्कि राहुल को अब चुनौती भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने झारखंड के चाईबासा की रैली में राहुल गांधी को चुनौती ही दे डाली। कहा कि अगर हिम्मत है तो अगले दो दौर के चुनाव पिता राजीव गांधी के मान सम्मान के मुद्दे पर लड़कर दिखाएं। अगर आपको पूर्व प्रधानमंत्री जिन पर बोफोर्स के भ्रष्टाचार के आरोप है, उनके मान सम्मान के मुद्दे पर मैं चुनौती देता हूं, आइए मैदान में, उस मुद्दे पर चुनाव लड़िए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर कांग्रेस ने भले ही गुस्सा जाहिर करते हुए इसे राजीव गांधी का अपमान बताया हो, लेकिन बीजेपी पीएम के बयान के बचाव में खुलकर सामने आई है। बीजेपी के मुताबिक राजीव गांधी के कार्यकाल में हुए बोफोर्स कांड, 1984 के सिख दंगे और भोपाल गैस कांड के दाग से कांग्रेस पीछा नहीं छुड़ा सकती। सत्ता से बाहर क्यों गए, वो सत्ता में रहकर 5 साल क्या किया कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने, इसकी चर्चा कोई गलत चर्चा थोड़ी ना है। प्रधानमंत्री जी ने कहा वो सही है और इसलिए प्राध्यापक क्या कहते हैं, इन सवालों का सैम पिट्रोदा जवाब दे। इधर कांग्रेस ने पीएम के बयान को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करा दी। कांग्रेस ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने भारत रत्न से नवाजे गए देश के पूर्व प्रधानमंत्री और एक शहीद का अपमान किया है। कांग्रेस का आरोप है कि पीएम मोदी का बयान चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने वाला है, लिहाजा उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि बिगड़े बोल कांग्रेस की ओर से भी खत्म नहीं हुए। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री की तुलना दुर्योधन से करते हुए कहा कि दुर्योधन का अहंकार भी नष्ट हुआ था। इस देश ने कभी अहंकार और घमंड को माफ नहीं किया है, इतिहास इसका गवाह है, महाभारत इसका गवाह है, ऐसा अहंकार दुर्योधन में भी था। तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रियंका गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि कौन अर्जुन है और कौन दुर्योधन, इसका फैसला 23 मई को हो जाएगा। प्रियंका जी,
ये लोकतंत्र है, आपके कहने से कोई दुर्योधन नहीं बन जाता। 23 तारीख की मतगणना बता देगी दुर्योधन कौन है और अर्जुन कौन है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा कि जब पीएम टीएमसी को लूट की पार्टी बताते हैं तो उन्हें पीएम को थप्पड़ मारने का मन करता है। कुल मिलाकर चुनाव के आखिरी दो चरणों से ठीक पहले बयानों के तीर मर्यादा की दिशा भूल रहे हैं। सवाल ये है कि क्या बीजेपी राजीव गांधी के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर जीतना चाहती है? क्या विपक्ष के पास अब पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों को छोड़ कोई चारा नहीं बचा है? क्या होगा जनता से जुड़े मुद्दों का? इन्हीं सब बातों पर होगी देश की बात। तो कई सवाल हैं देश की बात में, आज इन तमाम सवालों के गिट चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल मौजूद है। सबसे पहले परिचय आपका अपने मेहमानों से करा देते हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी की ओर से राजीव जेटली जी, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं विकास गुप्ता, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है और कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं राजीव रंजन जी, जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू के। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं वंदना सिंह, जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। वंदना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं टीएमसी के नेता प्रबीर विश्वास। प्रबीर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर कपिल कुमार, जो कि राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय, अपना विश्लेषण सामने रखते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कपिल कुमार। और इससे पहले कि मैं चर्चा की शुरुआत करूं, दर्शकों को इस चर्चा के साथ जोड़ने के लिए हमने एक सवाल दर्शकों के लिए छोड़ा है। उसका जवाब हमारे दर्शकों को हमारे ऑनलाइन पोल के माध्यम से देना है, जिसे हम कहते हैं कड़क सवाल। आज का कड़क सवाल है, क्या राजीव गांधी के भ्रष्टाचार का जिक्र करके बीजेपी को फायदा होगा? एक सीधा सा सवाल है जो इस वक्त चुनावी माहौल में उठा हुआ है और यही सवाल हम सीधा पूछ रहे हैं अपने दर्शकों से। अगर आप फेसबुक पर यूजर हैं, फेसबुक यूजर, तो फेसबुक पर जाकर @ZeeBusiness ऑनलाइन पर जाएं, वहां पर आपको हमारा पोल दिखाई देगा, ऑनलाइन पोल। वहां पर यस या नो, हाँ या ना में आपको जवाब देना है। और अगर ट्विटर आप यूज करते हैं तो @ZeeBusiness हमारे हैंडल पर जाएं और वहां पर अपनी राय दर्ज कराएं। शो के आखिर में हम बताएंगे अपने दर्शकों को भी और अपने मेहमानों को भी कि दर्शक इस मुद्दे पर क्या राय रख रहे हैं। कोशिश करेंगे अगर वक्त रहा तो इस पर विश्लेषण भी करेंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं चर्चा की और औपचारिक सा मैं निवेदन अपने तमाम मेहमानों और पैनल के मौजूदा सदस्यों से कर लूं कि एक दूसरे पर व्यक्तिगत आरोपों में ना उलझें, व्यक्तिगत आक्षेपों से परहेज करें और अपनी बात सीधा मुझे और जनता को संबोधित करते हुए रखें। चलिए शुरुआत में करता हूं प्रोफेसर कपिल, आपसे मैं शुरुआत करता हूं। इससे पहले कि मैं पॉलिटिकल पार्टीज का इस पर रिएक्शन लूं, उन सबकी अपनी अपनी राय है, बयान हमारे सामने है, इससे पहले कि मैं उनका रिएक्शन लूं, सबसे पहले मैं आपको से समझना चाहूंगा, ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी का मुद्दा उठाया है, उनके कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचारों का मुद्दा उठाया है, क्या इसके पीछे की राजनीति है और इससे क्या वाकई में, जो मैंने दर्शकों से भी पूछा है कि क्या वाकई में इससे बीजेपी को कहीं कोई फायदा, क्योंकि इसके विश्लेषण बहुत हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि दिल्ली और पंजाब का चुनाव है, कोई कह रहा है कि चौकीदार चोर है पर पलटवार है, लेकिन सवाल यह है कि इसके राजनीतिक मायने क्या है? क्या इसका कोई पॉलिटिकल गेन बीजेपी को होगा या वाकई में जो इमोशनल कार्ड अब कांग्रेस खेल रही है इसके इसकी इसकी आड़ में, उससे नुकसान होगा बीजेपी का? आपका आकलन क्या क्या कहता है? देखिए, मेरे हिसाब से यहां तक नुकसान की बात है, नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि आज एक बात समझ लीजिए कि इस समय तक हमारे देश का मतदाता जो है वो अपना पूरा मन बना चुका है कि उसको वोट कहां डालनी है, अनलेस के कोई मिरेकल हो जाए या कोई और चीज हो जाए। जो मतदाता है वो बड़ा स्पष्ट मत है, मत उसका दिमाग बन चुका है, एक अंडरकरंट मौजूद है, वो अंडरकरंट 2014 के मुकाबले ज्यादा है। मेरे अपने जो इंडिपेंडेंट सर्वेज मैंने किए हैं टैक्सी ड्राइवर्स के साथ, ऑटो ड्राइवर्स के साथ, अपने यहाँ एम्प्लॉयज के साथ, एक अंडरकरंट बता रहा है, तो वो तो नहीं होगा। मैं इससे बढ़ के एक बात और आपको बताना चाहता हूँ इतिहासकार होने के नाते, कि देखिए इतिहास के अंदर जो भी किसी ने की उपलब्धियां हैं उनको हम हमेशा याद करते हैं और उन उपलब्धियों को मजबूत बना के आगे चलते हैं, और दूसरी बात जो है, जो उसकी कमजोरियां हैं या जो गलतियां किसी ने की हैं उनके ऊपर हमें चिंतन करके ये करना होता है कि गलतियां हम दोबारा ना करें। और एक बहुत बड़ी गलती की तरफ मैं आपका ध्यान दिला रहा हूं, जो कि आपके इन तीन मुद्दे जो आपने बताए अभी 84 और एंडरसन और बोफोर्स के अलावा, प्रजातंत्र के अंदर जब कोई कत्ल का मुकदमा चलता है तो उसमें जो गवाह होते हैं, जिनके सामने वो कत्ल हुआ होता है, उनको गवाह के तौर पे पेश किया जाता है। इंदिरा गांधी जी के कत्ल के अंदर आर के धवन जो हैं उनसे 6 फीट पीछे चल रहे थे,
और दूसरे वो जो फिल्म प्रोड्यूसर थे, जब इंदिरा गांधी कमरे से निकली है अपनी वो साड़ी पहन के, वहां से उन्होंने उनकी फिल्म शूट करनी शुरू कर दी थी और जो गोलियां चली हैं और सब कुछ चली है वो फिल्म के ऊपर शूट कर लिया था। इन दोनों व्यक्ति को इंदिरा गांधी जी के ट्रायल के अंदर जो है विटनेस के तौर पे प्रोड्यूस नहीं किया गया। ये उस समय की सरकार की और राहुल गांधी जी की सरकार थी उस समय, राजीव गांधी जी की सरकार थी उस समय, क्यों नहीं सरकार की तरफ से? नहीं नहीं सर, मैं वही समझना चाह रहा हूं कि इनका 2019 का कनेक्शन क्या है, उस समय की सरकारों ने जो भी कुछ किया हो उसका 2019 का कनेक्शन बहुत ज्यादा। इसलिए देखिए 19 के कनेक्शन इसलिए ज्यादा हैं कि आपकी जबान में जो कुछ आए, चौकीदार चोर शुरू कर दिया आपने, कोई आप पे सबूत नहीं, कुछ नहीं, आप चौकीदार चोर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप पहुंच गए, अब वहां पे माफी मांग ली कि मैंने तो चुनावी गर्मी के अंदर कह दिया था। अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात को मान लेता है आज के पक्ष में कि कोई भी अपराधी क्रिमिनल केस है ये, वो वहां पे ये कह दे कि मैंने माफी मांग ली और उसको सुप्रीम कोर्ट मान लेता है, तो इस देश के सारे क्रिमिनल्स को एक प्रेसिडेंस मिल जाएगी। और आप कह रहे हैं कि ये विपक्ष ने और खासकर कांग्रेस ने जो शुरू किया है उसी पर मोदी जी का पलटवार है, बीजेपी का पलटवार है। और मैं वाकई में पलटवार है कि भाई अपने अपना चेहरा भी देख लीजिए, ठीक है आपके विकास, मैं आपको अभी कुछ आगे डिबेट बढ़ेगी तो मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य बताऊंगा इस डिबेट में। श्योर श्योर श्योर, विकास गुप्ता पहले उनके पास चल लेते हैं। विकास गुप्ता, अब तक आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कांग्रेस के नेताओं ने किन किन तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया हम सब जानते हैं। अब अगर और खासकर एक मौजूदा प्रधानमंत्री को चोर कहना और उस पर पॉलिटिक्स करना, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पुरानी कांग्रेस के सरकारों के भ्रष्टाचार को उजागर करके अगर चुनावी मंचों पर उसको उठाते हैं तो फिर कांग्रेस को आपत्ति क्या है? बीजेपी तो कह रही कि आप ही ने शुरुआत की, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किस किस तरह के पर्सनल अटैक्स करे, प्रधानमंत्री को चोर तक कहा, और अगर अब वो पलटवार कर रहे हैं तो फिर इसमें कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है? दीपक जी, ये 2019 का जो इलेक्शन है ये आरोपों और प्रत्यारोपों के लिए याद रखा जाएगा, और बेचारी वो जनता और बेचारा वो किसान और बेचारा वो शिक्षित युवक हाथ मलते देखते ये रह जाएगा कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जो 2014 में दम भरती थे कि हम एक बदलाव की राजनीति लेके आएंगे, और आपने अगर औरों को 60 साल का समय दिया है तो आप हमें 60 महीने का समय दीजिए, वो आज बेचारा युवक हमारी तरह युवक एक पंक्ति में खड़ा हुआ देश में देख रहा है, एक किसान एक तरफ तो धरती को और दूसरी तरफ जलते हुए सूरज को और इन राजनेताओं को देख रहा है जिन्होंने कहा था कि हम 6 साल में आपकी आय को दुगना कर देंगे, आज 2% की आय से अगर दुगना हो तो अगले 30 साल में भी फार्मर इनकम को डबल नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं देश का जो वोटर है वो अपेक्षित नजरों से भाजपा की तरफ देख रहा है कि किस तरह से आपने जो उम्मीद बनाई थी आज आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति में आकर के आप उलझ गए हैं। कभी तो आप राम मंदिर का इशू उठाते हैं, कभी आप नेशनलिज्म का इशू उठाते हैं, और अब आप राजीव गांधी जिनकी डेथ हुए हुए आज 30 साल हो गए हैं उनके मुद्दे पे कभी आप जवाहरलाल नेहरू। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप पर आरोप ये है कांग्रेस पर कि आपने पहले कहा चौकीदार चोर है, प्रधानमंत्री पर अटैक किए। मैं आपको पर्सनल अटैक्स की एक लिस्ट गिना सकता हूं यहां पर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शब्दों को, पर्सनल अटैक्स को कांग्रेस ने जो हथियार बनाया है, अगर वो पलटवार कर रहे हैं तो मैं नेम कॉलिंग में मैं दीपक जी नेम कॉलिंग में विश्वास नहीं रखता। और आपको यह भी याद होना चाहिए कि भाजपा के अध्यक्ष ने विपक्षी नेताओं को सांप, नेवला, कुत्ता, बिल्ली भी कहा है, पर मैं इस बातों में जाना नहीं चाहता, मैं इस बातों में जाना नहीं चाहता। और मुझे कहीं ना कहीं इस बात के पीछे भाजपा की बौखलाहट दिखती है, क्योंकि राम माधव जी जो इतने ज्यादा बड़े थिंक टैंकर फिलोसफर आरएसएस के हैं, उन्होंने खुद मान लिया, कल वक्तव्य दिया इंटरव्यू में कि हमें 271 भी नहीं मिलने वाली और हमें अब घटक दलों की आवश्यकता। और यानी कि आप कह रहे हैं कि अब तक के हुए चुनाव में, समझ गया, राजनाथ सिंह ने भी कहा कि मैंने कांग्रेस नेताओं के बयान पढ़े हैं कि कितना नंबर आएगा। मैं समझ गया आपकी बात, और मैंने कांग्रेस नेताओं के बयान भी पढ़े हैं, और उन्हीं सवालों के साथ राजीव जेटली जी के पास जाना चाहता हूं। राजीव जी, जो सवाल जो कहना चाह रहे हैं विकास गुप्ता, ये ऑफिशियल बयान एक तरह से आप इसको मानिए,
कांग्रेस का कि अब तक जितने भी चरण हुए हैं उसमें बीजेपी हार रही है, बीजेपी के पास अब कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, इसीलिए बार बार गोल पोस्ट चेंज किया जा रहा है, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दशक पुराना एक मुद्दा जो कि गड़े मुर्दे की तरह है उसे उखाड़ कर चुनावी अखाड़े में ले आए हैं और पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी हार रही है ये तो मुझे लगता है कि देश की जनता के सामने ये अगर बात रखेंगे तो उनको भी थोड़ा सा हास्यप्रद लगेगा। कांग्रेस से पूछिएगा कौन जीत रही है तो ये नहीं बता पाएंगे, उनसे पूछिएगा कौन सा राजनीतिक दल कौन सा गठबंधन जीतेगा तो वो ये भी नहीं बता पाएंगे, किसकी कितनी सीटें आएंगी वो ये भी नहीं बता पाएंगे, 40 क्रॉस करेगी कांग्रेस तो वो ये भी नहीं बता पाएंगे। जब कुछ बता ही नहीं पाएंगे तो मुझे लगता है दूसरे के लिए प्रेडिक्शन करना अपने आप में बहुत बड़ा हास्यप्रद एक व्यंग करने वाली बात है ये। अब दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि बार बार एक ही बात कहते हैं कि वो शहीद हैं, शहीद का नाम क्यों लिया जा रहा है, 28 साल हो गए उनकी शहादत को। हम नहीं कहते हैं कि वो शहीद नहीं है, हम कहते हैं वो शहीद हैं, लेकिन जो जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं क्या उनके बारे में चर्चाएं बंद हो गई हैं? अगर उनके कोई गलत काम रहे होंगे, क्या हिटलर के बारे में आपने अच्छा बोलना शुरू कर दिया? क्या भिंडरा वाले के बारे में, भिंडरा वाले को भी कुछ लोग ये समझते हैं कि वो शहीद हैं, इनकी नज़र में नहीं होंगे लेकिन कुछ लोगों की नज़र में वो शहीद होंगे, क्या उनको ये अच्छा बोलते हैं? क्या ये ओसामा बिन लादेन? नहीं नहीं सर, ऐसा कंपैरिजन तो आपके बड़े नेताओं ने भी नहीं किया सर, आई एम सॉरी, अमेरिकन फोर्सेस ने मारा सर, ऐसा कंपैरिजन तो आपके बड़े नेताओं ने भी नहीं किया राजीव जी। नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। नहीं, आप कम से कम ये वाला कंपैरिजन मत कीजिए ना, राजीव गांधी का कंपैरिजन इतना तो नहीं किया जा सकता। नहीं, मैं आपसे केवल, आप तो ये बात कह रहे हैं जब आप अपने देश के अंदर अपने देश के टैक्स के पैसे को अपने संबंधियों, अपने दोस्तों, अपनी विदेशी पत्नी के साथ विदेशी मित्रों को दे देते हैं तो उसके ऊपर चर्चा नहीं होगी क्या? क्या हम पूछेंगे नहीं सवाल कि बफोर्स का पैसा कहाँ गया? क्या विदेशी दोस्तों को, इस देश के नागरिकों को मरवाने के बाद विदेश छोड़ के आएंगे तो हम उनसे प्रश्न नहीं पूछेंगे? नहीं सर, सवाल उसका, सवाल इस बात का जेटली जी, एक ही उसका रिटेलिएशन होगा। सवाल ये है जेटली जी कि पिछले 5 साल में बीजेपी ने बार बार दावे किए हैं कि आपके पास इतने असंख्य मुद्दे हैं जो पब्लिक के आम लोगों के विकास के लिए किए हैं, देश के सुरक्षा के मसले से लेकर देश की अर्थनीति से लेकर और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर मोर्चे पर आपके पास बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं, आप उनको क्यों नहीं उठा रहे हैं? आप फोकस कर रहे हैं एक तीन दशक पुराना मुद्दा, राजीव गांधी के कार्यकाल का भ्रष्टाचार लेकर, उसको लेकर आप क्या चुनाव जीतना चाहते हैं? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ये तक चैलेंज कर रहे हैं कि आप आइए बाकी चरणों में उन्हीं मुद्दे पर चुनाव लड़के दिखाइए। तो सवाल ये कि क्या बीजेपी के पास मुद्दों की कमी हो गई है, ये आरोप लग रहा है? यही तो बात कह रहे हैं। सुन दीपक जी, दीपक जी, भोपाल की जनता का क्या कसूर है? मारे कौन गए थे? हजारों लोग कौन मारे गए थे? भोपाल की जनता मारी गई थी ना। पंजाब में क्या कसूर था? सिख समाज का क्या कसूर था? मारे गए थे तो कौन मारे गए थे? क्या उनको शहादत का दर्जा दिया जा रहा है? क्या कांग्रेस ने कभी कहा जितने सिख मारे गए थे वो शहीद है? नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की वजह से वो सिख मारे गए थे, उन जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी थी, उसको शहादत का दर्जा दिया जाए। अब ये देखिए कितना नाइंसाफी है कि देश की जनता, चाहे वो भोपाल की हो, चाहे वो पंजाब की हो, चाहे वो दिल्ली के सिख हो, उनके कत्ल के ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा हो रही है तो उनके ऊपर हो रही है कि 30 साल पहले उनकी शहादत हो चुकी है, इसलिए आप चर्चा मत करिए। जो लोग मारे गए हैं उनको मरा रहने दीजिए, उनको कोई सम्मान नहीं देना चाहते हम। अगर आपने सम्मान देना है तो राजीव गांधी जी को दीजिए। हम तो कहते हैं, यही देश के प्रधानमंत्री ने कहा, अगर आपको इतना ही लगता है कि आप इतना बेहतर नेतृत्व सामने रख के अगर चुनाव लड़ सकते हैं तो क्यों नहीं लड़ते अगले 2 चरण का चुनाव? बिल्कुल, क्यों नहीं बोलते हैं? ठीक है, वंदना सिंह, जब राजीव गांधी जी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे तो पंजाब की जनता को वो दिन याद आ जाएंगे। हम राजीव गांधी जी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे तो भोपाल के हजारों संख्या में जिन्होंने अपनी जान गंवाई उनको वो याद आ जाएगा कि किस तरीके से हमारे गुनेगार को, हमारे हत्यारे को बकायदा जहाज में बिठा के बाहर विदेश में छोड़ के आए। वंदना सिंह, इन्हें डर लगता है इस बात से। वंदना सिंह, सीधा सीधा आरोप बीजेपी का ये है कि एक दिवंगत प्रधानमंत्री का सम्मान सम्मान है लेकिन एक मौजूदा प्रधानमंत्री का सम्मान क्या सम्मान नहीं है? क्या उनके खिलाफ जो अपशब्दों का प्रयोग किया गया है विपक्ष की तरफ से, क्या उनका कोई हिसाब नहीं लेना चाहिए? क्या उनके मुद्दे पर सम्मान के मामले में चुप हो जाना चाहिए? और अगर आज विपक्ष जो है प्रधानमंत्री पर सीधे पर्सनल अटैक कर रहा है और प्रधानमंत्री ने 30 साल पहले जाकर अगर उस समय के भ्रष्टाचार के और उस समय के सरकारों पर लगे आरोपों की एक फेरिस्त गिनाई है तो फिर प्रॉब्लम क्या है इसमें विपक्ष को? क्यों ना इस मुद्दे को उठाया जाए? जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी
भाजपा के ये तर्क वितर्क और ये विचार सुन के ये दर्शाता है इनके विचारों का दिवालियापन, कि किस तरह की ये बातें कर रहे हैं, किस तरह के ये तर्क दे रहे हैं। जो इंसान मर चुका गनीमत, इन्होंने ये तो कम से कम कबूला कि वो शहीद हुए हैं, और इनकी तर्क वितर्क सुन के मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या कहना चाहते हैं। और दूसरा सवाल ये है, जहां तक मैं गलती नहीं खा रही हूं, ये चुनाव तो मोदी जी और भाजपा जो है राजीव गांधी से तो नहीं लड़ रही है, राजीव गांधी तो जा चुके हैं, ये राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे हैं कांग्रेस का, तो राजीव गांधी को बीच में क्यों लाया जा रहा है? और ये साढ़े चार ये पांच साल तक इन्होंने क्यों नहीं हिसाब मांगा कांग्रेस से? अब इनको याद आ रहा है, अब इनको भोपाल की जनता याद आ रही है, अब इनको सीख याद आ रहा है। चौकीदार चोरे का नारा तो राहुल गांधी ने ही दिया ना वंदना, कहां थे ये? उसी पर पलट पा रहे हैं, बैंकरप्ट हो चुके हैं अपने दिमाग से राहुल। एक मिनट, अगर राहुल गांधी ने कुछ कहा है तो इन्होंने कम नहीं कहा है, तो दो रॉन्ग्स डोंट मेक राइट, ये आप समझ लें कि दोनों ही कहीं से कम नहीं। आपको क्या लगता है भाजपा ने कोई कसर छोड़ी है? किस किस नेता के ऊपर इन्होंने क्या क्या नहीं कहा, कैसी टिप्पणी नहीं की है? अखिलेश यादव के ऊपर इन्होंने टिप्पणी की है, राहुल गांधी तो बहुत दूर की बात है। तो ये किस कदर कहां पर आके खड़े हो गए हैं, किस तरह की बातें करते हैं और कैसा दिवालियापन है इनका? जेटली जी, ये दर्शाता है। ठीक है, रिस्पॉन्स लेते हैं। इसका नहीं है कि इनके पास मुद्दे हैं कि नहीं है। ऑलराइट, सुन लेते हैं राजीव जी की बात भी, सुन लेते हैं उनका क्या रिस्पॉन्स है इस पर। राजीव जी, नहीं मुझे तो इनकी बात ही समझ नहीं है, कहना क्या चाहते हैं, पूछना क्या चाहते हैं। हम तो केवल एक ही बात कह रहे हैं, हमने जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उसकी अकाउंटेबिलिटी जिस सरकार की है, जिस राजनीतिक पार्टी के नेता की थी, उसके ऊपर चर्चा। एक एक करके, और प्लीज पर्सनल अटैक नहीं करना है, एक एक करके सुन ले। राजीव, मैं इनकी बात का जवाब भी नहीं देना चाहता, मुझे समझ नहीं आया पूछना क्या चाहती हैं। अच्छा, दूसरी बात मुझे नहीं समझ आया, मैं अपनी बात रखता हूँ। मैं केवल इतनी बात बोलना चाहता हूँ कि हमने जब चर्चा की शुरुआत करी, आपने कहा मुद्दे गायब हैं क्या? हमने कहा, हम तो बार बार एक ही बात कहते हैं, किसान से लेके जवान से लेके नौजवान से लेके महिला से लेके कोई भी ऐसा क्षेत्र, जिस क्षेत्र के अंदर कोई भी राजनीतिक पार्टी, जितने भी डब्बे में बैठे हैं आपके यहाँ पे विंडो पे नजर आ रहे हैं, कोई भी एक व्यक्ति बाहर निकल के बता दे कि हमसे बेहतर कौन सा कार्य इन्होंने कभी करके दिखाया हो। बिजली पे कराओ, पानी पे कराओ, सड़कों पे किया हो, ओआरओपी पे किया हो, किसानों पे किया हो, एमएसपी पे किया हो, किसी पे तो करे। अरे चर्चा करने लायक नहीं है ये लोग, इनको तो मजा आता है। अरे आप इस टाइम में क्या कर रहे हैं, ये तो एक जैसे पड़ोसी होता है ना दरवाजे में से, दरवाजे कागजों के अलावा सिवाय जुमलों के अलावा कौन सा काम किया है? ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, तो थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। प्रबीर विश्वास के पास चलते हैं। प्रबीर, एक तरफ देश की राजनीति चल रही है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी के जो बयान है वो खत्म ही नहीं हो रहे हैं, वहां पर क्या प्रॉब्लम? मुझे समझ में नहीं आया, देश की राजनीति एक तरफ चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, ठीक है आपको राजनीतिक विचारधारा का अंतर्विरोध हो सकता है, लेकिन इस तरह के बयान प्रबीर, कभी ममता जी कहती हैं कि मैं कंकड़ से भरा हुआ रसगुल्ला खिला दूंगी, कभी वो कहती है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री ही नहीं मानती हूं, अब वो कह रही है कि मुझे थप्पड़ मारने का मन करता है, ये किस तरह के बयान है सर? और फिर आप कहते हैं कि लोकतांत्रिक नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान। नहीं, आखिरकार आपने मुझे समय दिया, इसीलिए आपका शुक्रिया। दीपक देखिए, डूबने वाले के लिए तिनका के सहारा बहुत होता है। आज जो राजीव गांधी का मुद्दा प्रधानमंत्री जी ने उठाया, ये डूबने वाले के लिए तिनके का सहारा है। 30 साल पहले जो आदमी गुजर चुके हैं उनका सहारा लेना मुझे तो धिक्कार आता है। और ममता बनर्जी ने जो कही है कि उनको थप्पड़ मारने का मन आता है, तो मैं आपको बताता हूं, आज प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान प्रोजेक्ट के तहत 2000 रुपया किसानों को दिए थे और तुरंत तो 2000 रुपया वापस भी ले लिए। मेरा बस चले तो मैं थप्पड़ नहीं, मैं प्रधानमंत्री को लात भी मार सकता हूं। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, उनको लात मार के भगाना चाहिए देश से। सर ये क्या है? ये कम से कम शब्दों की मर्यादा रखिए सर, ये क्या कह रहे हैं सर आप? नहीं, शब्दों के मर्यादा मैं रखूं सिर्फ? आप देखिए, बीजेपी के उम्मीदवार, दीपक जी एक बात सुन लीजिए, बीजेपी के उम्मीदवार बोल रही है 1000 लड़के घुसा के मारूंगी, घाटा कम से कम डिबेट्स में, टीवी डिबेट्स में इस तरह के बयान मत दीजिए। भारती घोष है, एक जिम्मेदार पार्टी के नेता हैं आप, एक जिम्मेदार पार्टी के नेता हैं आप, आप कम से कम इस तरह के बयान तो मत दीजिए। वो भी तो नेता, गुंडों की पार्टी, जिम्मेदारी एक तरफा नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, जिम्मेदारी एक तरफा नहीं होता है। देखिए साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला,
नहीं प्रवीर, आप मुझसे बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए, ये किस तरह के शब्द आप कह रहे हैं, ये किस तरह के शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं प्रवीर? आपको लगता है आपने सही शब्दों का इस्तेमाल किया? डिबेट के लायक नहीं है प्रवीर, ये बोलते रहेंगे प्रवीर, मेरी बात नहीं, आप बीजेपी को छोड़ दीजिए, विरोधियों को बोलने नहीं देना चाहते सर, आप मुझसे मुखातिब होइए सर, ये किस तरह के बयान आप, ये किस तरह की बात आप कर रहे हैं, ये किस तरह के, ये बीच में बुलाना बंद कराइए, नहीं आप मुझसे बात कीजिए सर, मुझसे बात कीजिए, ये किस तरह के बयान आप दे रहे हैं, ये किस तरह का स्टेटमेंट आप दे रहे हैं? हाँ बोलिए, इज योर पार्टी ऑफिशियल स्टैंड? मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, जिस तरह का स्टेटमेंट बीजेपी के तरफ से आ रहा है, पलट के ये वार उनके लिए जरूरी है, ऐसा स्टेटमेंट जरूरी है, बातों के भूल नहीं है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है आपका, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है आपका, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, आई एम सो सॉरी, आप इससे अच्छी भाषा का प्रयोग आप कर सकते थे, लेकिन इससे ये समझ में आता है कि आपके पास मुद्दों की कितनी कमी है, आपके पास तर्कों की कितनी कमी है, जो आप इस स्तर पर आकर जो है टीवी डिबेट में आकर, कम से कम हमारे प्रोग्राम में आकर इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। किसानों का मुद्दे नहीं, मुद्दे आप उठाइए ना, मुद्दे उठाने से किसने मना किया आपको, मुद्दे उठाने से किसने मना किया आपको, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि आप व्यक्तिगत आक्षेप किसी पर नहीं करेंगे, पर्सनल अटैक्स नहीं करेंगे, और आप मेरी डिबेट में आप इस तरह के बयान का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रवीर, नहीं आप बयान वापस लीजिए अपना। दीपक जी मैं एक बात बताऊं आपको, जब आप प्रधानमंत्री के खिलाफ एक ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, दीपक जी मेरा बात खत्म होना, आप मेरा बात में ऐसे टोकेंगे तो कैसे चलेगा, जब कोई शख्स प्रधानमंत्री होता है वो व्यक्तिगत नहीं रहता है, वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। हाँ तो इसलिए क्या आप देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के बयानों का प्रयोग करेंगे? कैसा बयान दे रहे हैं, वो मुद्दों पे लड़िए ना, विचारों पे लड़िए, भाषा भाषा के साथ, एक संयमित भाषा के साथ लड़िए, मुश्किल है ये, कौन सा बिलो द बैट अटैक है दीपक जी? नहीं संयम मैं दिखाऊं, प्रधानमंत्री जी नहीं दिखाएंगे, प्रधानमंत्री सरासर हुमकी दे रहे हैं, सरासर बोल रहे ममता जी आपको बचना मुश्किल है, ममता जी को वो मारने का साजिश कर रहे हैं, राजीव जेटली बचना मुश्किल है, राजीव जेटली जी नहीं आपको सुनाई देता, राजीव जेटली जी ये इस तरह के बयान क्या कहा जाए टीएमसी को, हम देख रहे हैं, मैंने सवाल ही ये पूछा था कि ममता बनर्जी किस तरह के बयान दे रही हैं, उनसे चार हाथ आगे जो है उनके प्रवक्ता बैठे हुए हैं यहां पर और वो दे रहे हैं इस तरह के बयान। देखिए इन्होंने अपना गिरावा स्तर तो दिखा दिया, मैंने आपसे कहा 2% के गुंडे, अब मैं ममता बनर्जी के लिए ये शब्द फिर भी नहीं बोलूंगा, चाहे वो कितनी भी गंदी भाषा का प्रयोग क्यों ना करती हो, चाहे वो इस देश को देश से अलग करके बांग्लादेशियों के साथ मिलके देश के प्रधान के मंत्री को गाली देने का काम क्यों ना करती हो, तब भी मैं इतनी गरीबी भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा जितना 2% के गुंडों ने यहां पे किया है। मैं कहता हूं सड़क छाप गुंडे हैं और सड़क छाप गुंडों ने वेस्ट बंगाल की राजनीति के अंदर जो गंदगी मचाई है वो पूरे देश ने कल मीडिया के माध्यम से देखी, कैसे हथगोले और बम लेके हाथ में चल रहे हैं, ऐसा लगता है नहीं कि हमारे देश के अंदर चुनाव हो रहा है, हमारी सेंट्रल फोर्सेस को चैलेंज किया जाता है कि आप आइए अच्छा और निष्पक्ष चुनाव करवा के दिखाइए, हम आपका भी कत्ल कर देंगे, ये उस तरीके की राजनीतिक पार्टी है। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी है कि अभी इनकी वहां सरकार है, वहां वेस्ट बंगाल की जनता इनको जवाब दे रही है, और आज देखिए इनका स्तर इतना गिर गया है कि मौजूदा परिस्थितियों और हालात जो आने वाले हैं, जिस तरीके के रिजल्ट इनको नजर आ रहे हैं उसमें इनकी भाषा का स्तर इतना गिर चुका है कि देश के प्रधानमंत्री को गाली दिखा रहे हैं, हाथ पैर तोड़ने की बात कर रहे हैं। बताइए देश के प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरीके के एलिगेशन ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन किसी राजनीतिक पार्टी के लगा रहे हैं, तो आप उससे उस राजनीतिक पार्टी के चरित्र का स्तर देख सकते हैं कितना होगा। वही बात आ गई, ममता बनर्जी ने जो गंदी राजनीति, गंदे शब्दों का प्रयोग किया, वही प्रयोग अब 2% के गुंडे इनके टीवी चैनल के ऊपर बैठ के कर रहे हैं। मैं इनसे चर्चा भी नहीं करना चाहता। कोई अच्छा सभ्य व्यक्ति हो तो मैं उससे बात कर सकता हूँ, लेकिन सड़क छाप गुंडों के साथ चर्चा करके बंगाल को तो एक भद्र प्रदेश माना जाता है, खुद अपना आप इस तरह के बयान देकर, छोड़ दीजिए ममता बनर्जी को एक तरफ रखे, अगर हम इस तरह के बयान देकर प्रबीर, क्या आप भद्र प्रदेश बंगाल को कहा जाता है, क्या आप अपने अपने प्रदेश की जनता का अपमान नहीं कर रहे हैं यहां पर बैठकर? किसी और पार्टी के लीडर को 2% के गुंडे बोलते हैं और सड़क छप गुंडे बोलते हैं, वो पर्सनल अटैक नहीं लग रहा आपको? बिल्कुल दिखाई नहीं, ठीक है औकात दिखाई, प्रवक्ता के तौर पे बात करते हैं तो प्रवक्ता के तौर पे जवाब मिलता है, बोल रहे हो प्रवक्ता के तौर पे जवाब मिलता है, नेता के तौर पे बात करते हैं तो नेता के तौर पे जवाब मिलता है। आपको देश के प्रधानमंत्री के बारे में किस तरीके से चर्चा करनी है, इतनी शर्म नहीं आ रही है? राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के भद्दी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं,
ऑलराइट आगे बढ़ते हैं प्रवीर, ठीक है ऑलराइट प्रवीर, इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, आई एम सॉरी, आतंकवादियों के साथ प्रवीर आप पहले भी मेरे शो पे आते रहे हो, आप एटलीस्ट इसको जस्टिफाई मत कीजिए प्रवीर, जनता जवाब देगी, आपको पता है आपके कपड़े उतर चुके हैं, ऑलराइट बोल रहे हैं उनके बारे में बात करो, ऑलराइट ठीक है, चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूँ, प्रोफेसर कपिल कुमार क्या ये राजनीति हमारे देश की इसी तरह से पर्सनल आरोप प्रत्यारोप में फंस के रह जाएगी, जनता के जो बुनियादी मसले हैं उन पर कोई बात नहीं करेगा, और हम देख रहे हैं किस किस तरह की भाषा का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है, क्या इन्हीं में फंस के रह जाएगी देश की राजनीति? नहीं, देखिए इनका तो मुझे एक ही जवाब है सिर्फ, और वो जवाब ये है कि जब डिबेट किसी एक इशू पे हो रही है जो आज, उस डिबेट पे जब इन पे जवाब नहीं है तो उसको डिरेल करने के लिए ये भाषा और ये सब डिबेट में भी इस्तेमाल करते हैं, ये सभ्य भाषा में बात ही नहीं कर सकते, इसलिए मैं इनको दरकरार करता हूं। मैं डिबेट पे वापस आता हूं, वंदना जी से मेरा हाथ जोड़ के एक निवेदन है कि वंदना जी बोफोर्स के ऊपर और भोपाल गैस कांड के ऊपर और 84 के सिख दंगों के ऊपर, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के जो बयान है उस समय के, उन तीनों बयानों को एक बार पढ़ लीजिए उनके ऊपर, और मुलायम सिंह जी ने कब कब उन बयानों को और कब तक उन चुनावों के अंदर उन वक्तव्य को इस्तेमाल किया है, पहली बात। अब मैं लाना चाहता हूं दूसरी बात पे, जिसको फिर लोगों ने इग्नोर कर दिया। आप लोगों को याद होगा कि जब राजीव गांधी जी की हत्या की गई वहां पे, उस हत्या के बाद में एक वन आइड जैक था जिसके 7-8 साथी थे, उस वन आइड जैक को और उसके साथियों को हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो ने घेर लिया था, और वो असली कॉन्स्पिरेटर था उस मर्डर का, और उसके बाद में घेरने के बाद में उसको इतना समय दे दिया गया कि उन्होंने साइनाइड के खा करके सुसाइड कमिट कर लिया, और वो कंट्रोवर्सी वहीं खत्म हो गई। आगे सुनिए, चंद्रशेखर जी की सरकार गिराने के लिए सोनिया गांधी जी ने इसलिए सरकार से पीछे हटी कि डीएमके का नाम आ गया था उसके अंदर, वो वाइको और वो का प्रभाकरण के साथ में, और उस वजह से सरकार तोड़ दी, और फिर उसी डीएमके के साथ मिलकर के सोनिया जी सरकार चलाती है। तो राजनीति की ये जो हकीकतें हैं, ठीक है सर, ये कंपैरिजन जो है पिछली और नई सरकारों का ये अंतहीन है, ये पिछली और नई सरकारों का जो कंपैरिजन है ये वाकई में अंतहीन है, लेकिन सवाल यही है कि क्या हम इतना हमारा स्तर गिर चुका है कि हम व्यक्तिगत आक्षेपों पर जाकर राजनीति करेंगे, क्या हमारे पास मुद्दों की कमी हो गई है? विकास गुप्ता, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपने टीएमसी वाले ए दादा से देख लिया ना कि दादा की बोल छे, हाँ दादा की बोल छे, नहीं मैं यहाँ पर दर्शकों को एकदम एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, यहाँ पर आए हुए जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी नुमाइंदे हैं, ऑलराइट सर, एक मिनट मुझे एक डिस्क्लेमर देने दीजिए, एक डिस्क्लेमर मुझे देने दीजिए, मुझे ब्रेक भी लेना है, ऑलराइट आप लोग बंगाल को पाकिस्तान बनाने में लगे हुए हैं, ओके, राजीव गांधी के नाम पर जो सियासत चल रही है उसी पर आज हम कर रहे हैं देश की बात में बहस, और सवाल यही उठ रहा है कि क्या राजीव गांधी के भ्रष्टाचार का जिक्र करके बीजेपी को फायदा होगा, क्या ये बयान या ये इसका जिक्र करना क्या जरूरी था, या फिर ये पलटवार है सिर्फ, कि जिस तरह से कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत प्रहार किए ये उसका जवाब है बीजेपी की ओर से, इस पर हम कर रहे हैं चर्चा, और अब मैं चलूंगा विकास गुप्ता आपके पास, मैं चलूंगा, आप बहुत देर से खामोश बैठे हुए हैं और मैं आपकी शालीनता की कद्र करता हूं कि विरोधी एक पार्टी होते हुए भी आप शालीनता से अपनी बात रखते हैं, और हमेशा मेरी डिबेट पे आप हमेशा से इस तरह से शालीनता का परिचय देते रहे, मैं अप्रिशिएट करता हूं सर आपको। सवाल मेरा आपसे ये है सर कि क्या विपक्ष और कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर पड़ गई है कि अब आप कोई नैरेटिव सेट नहीं कर पा रहे हैं, बीजेपी एक मुद्दा उठाती है आपकी तरफ उछाल के फेंकती है और आप उसमें उलझ के रह जाते हैं, आप उनकी सफाई देने में लग जाते हैं सिर्फ, क्या इस पूरे चुनावी समर में 2019 के कम से कम कांग्रेस की यही हालत दिखाई देती है? नहीं दीपक जी, आपको शायद कहीं भ्रम है, भाजपा हाँ गोल पोस्ट चेंज कर रही है, अपनी रेल का ट्रैक बदलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो उस रेल की ट्रैक पे सही दिशा में चल नहीं पा रही है, और कहीं ना कहीं एक मीडिया में भ्रम पैदा करने की स्थिति कर रही है कि जो हम एजेंडा सेट कर रहे हैं उसमें ऑपोजिशन विपक्ष उसमें फंस रहा है। विपक्ष का एजेंडा बिल्कुल सही है, आप गांव में जाइए, गांव में किसान भाजपा के खिलाफ खड़ा है,
शहरों में युवा। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि जब सत्ता का एक केंद्रीकरण हो जाता है तो वोटर साइलेंट हो जाता है, वो खामोश खड़ा है, क्योंकि उसके पास बटन दबाने की जो ताकत है वो आपके कैमरे पे आकर के कुछ ना बोले कि वो किसको वोट देगा, लेकिन वो वोटर आज साइलेंट खड़ा हुआ है। और दो चीज बात में, क्योंकि मैं बीच में आना नहीं चाहता था, मुझे बड़ा दुख हुआ कि आज भाजपा के प्रवक्ता ने हिटलर को, भिंडरवाल को और ओसामा बिन लादेन को शहीद की कैटेगरी में लेके आए। मुझे ऐसी अपेक्षा नहीं थी, राजीव जी खुद बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, तो मुझे लगा कि मुझे बड़ा दुख हुआ जब उन्होंने उन तीन लोगों को जो एक टेररिस्ट होकर के उनको इन्होंने शहीदों की श्रेणी में लाने की एक कोशिश करी। और दूसरी बात, अगर आपको कोर्ट से क्लीन चिट मिलती है किसी बारे में तो आप कहते हो कि कोर्ट का निर्णय पूरा है, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि हिंदुजा को और बाकी जितने भी आरोपी थे उनको दिल्ली हाई कोर्ट ने बोफोर्स के मामले में क्लीन चिट दे दी थी। तो अगर किसी जज लोया के मैटर में अगर आप सुप्रीम कोर्ट को कहते हो कि उसके आदेश को हमें मानना चाहिए, तो दिल्ली हाई राजीव जेटली कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं। राजीव, सबका डिस्चार्ज हुआ था। राजीव विकास कह रहे हैं हमारे पास मुद्दे बहुत हैं जिनसे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, एनडीए को, बीजेपी को घेर सकते हैं, लेकिन आप ही बार बार गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दे अलग अलग वक्त में अलग अलग चरणों में उठाकर। मैं पहले तो मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं बात को। कांग्रेस पार्टी कहती है कि राजीव गांधी जी देश के शहीद हैं, जो हम भी एक्सेप्ट करते हैं इस बात को, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि भ्रष्टाचार और बाकी जितने भी बेकायदगियां हुई हैं वो सारी की सारी इस बात के अंदर दब जाती है। मैंने किसी को शहीद नहीं बताया, मैंने कहा क्या कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उनकी मृत्यु एडोल्फ हिटलर की मृत्यु को बहुत लंबा वक्त हो गया है, जितना लंबा वक्त हो जाता उसके बाद क्या उसके गुनाहों को माफ कर दिया जाता है? मैंने कहा ओसामा बिन लादेन की मृत्यु को इतना वक्त हुआ था उसके गुनाह कम हो गए क्या? किसी के गुनाह केवल इस बात से कम नहीं हो जाते हैं कि उसकी मृत्यु को कितना वक्त हो चुका है। नहीं सर, स्वर्गीय राहुल मैं गुजारिश करूंगा आपसे कंपैरिजन में ना फंसे हम कि सरकार के सार्थक बहस पर आए। मैं आप क्योंकि ये प्रश्न उठाया था मैंने, ठीक है ठीक है सर, मैंने आपसे कहा मुद्दों की कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप दो ऐसी लोकसभा क्षेत्र, दो ऐसे राज्यों से चुनाव लड़ रहे हैं जहां पर आपकी अकाउंटेबिलिटी सेट हुई है, जहां की जनता आपसे जवाब मांग रही है, पंजाब की जनता जवाब मांग रही है, मध्य प्रदेश की जनता जवाब मांग रही है, मध्य प्रदेश की जनता ये कह रही है कि आप देश के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री के ऊपर उंगली उठाते हैं, बावजूद उसके कि आपका पूरा का पूरा करैक्टर इन बातों में लिप्त रहा कि आपने अपने ही देश के नागरिकों के साथ नाइंसाफी करी। नाइंसाफी कैसे करी? मैंने आपको पहले भी बताया, भोपाल गैस कैंड में एंडरसन को विदेश में छोड़ने गए तो वो भी राजीव गांधी गए। क्वात्री बफोर्स कांड के अंदर जो हमारे देश का जो टैक्स का पैसा था वो भी क्वात्री जी वो पैसा भी जो था वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से अगर पहुंचाया, विदेशी बैंकों तक पहुंचाया, लंदन तक पहुंचाया, तो वो भी राजीव गांधी जी के माध्यम से हुआ। तो क्या इन सब बातों से, केवल एक बात से कि उनकी शहादत को आज लगभग 30 साल हो गए हैं, तो आप इसके ऊपर चर्चा मत कीजिए। मैंने इसलिए कहा आपसे कि अगर चर्चा नहीं होगी तो किसी के ऊपर भी नहीं होगी, और अगर होगी तो सब पर होगी। अगर मुद्दों की बात, मैंने आपसे सीधी सीधी बात बोली, विंडो में जितने भी लोग बैठे हैं, देश का जवान इंतजार कर रहा था कि मुझे वन रैंक वन पेंशन मिलेगी, लेकिन नहीं दी तो भारतीय जनता पार्टी ने दी। देश का व्यक्ति कहता था मैं भी कभी बिजली देखूंगा, किसने आके दी? भारतीय जनता पार्टी ने दी। देश का किसान कहता था एमएसपी 2004 में भी और 2009 में भी, 2004 में भी और 2009 के मैनिफेस्टो में वायदा किया कि हम एमएसपी देंगे, वो वायदा भी पूरा नहीं किया, वो भी किसने आके पूरा किया? तो वो भी प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने किया। ठीक है सर, देश की जनता सड़कों के अभाव में 50 किलोमीटर दूर नहीं जा सकते थे। बन्ना सिंह, मेरा सवाल आपसे वही होगा, जो मैंने मुद्दों को, मैं थोड़ा आपका नजरिया भी जानना चाहूंगा वंदना सिंह। जो मैंने सवाल विकास जी से पूछा, मेरा वही, मैं बिल्कुल बहुत ही क्यूरियोसिटी से और एक बहुत ही आम नागरिक होने के नाते मैं जानना चाहता हूँ कि ये बार बार नैरेटिव सेट करने में विपक्ष पीछे क्यों रह जाता है? बीजेपी के पास जितने मुद्दे हैं, जितने उन्होंने बार बार अलग अलग मुद्दों को उठाया, बहुत पुख्ता तरीके से और पूरी शक्ति के साथ उठाया है, ये नैरेटिव सेट करने की प्रवृत्ति जो है ये विपक्ष की ओर से क्यों नहीं दिखाई देती हमको? आपके जितने भी बयान हैं वो सिर्फ व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपों में क्यों उलझकर रह जाते? ऑलराइट, वंदना जी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, हमारा कोशिश करेंगे हम उन तक जाने की। प्रबीर विश्वास के पास चलते हैं। प्रबीर, आखिर ऐसा क्यों है कि नैरेटिव सेट बीजेपी करती है और आप लोग उसमें फंस के रह जाते हैं? आपके पास कोई मुद्दे नहीं है क्या?
सिर्फ अब आप व्यक्तिगत आक्षेपों पर आकर अपनी राजनीति कर रहे हैं? नैरेटिव हम भी सेट करते हैं, जैसे दीपक नैरेटिव हम भी सेट करते हैं, हम भी मुद्दा उठाते हैं, लेकिन हमारे मुद्दा ये टीवी चैनलों ने नहीं आता है, इसीलिए आपको लगता नहीं है कि हम लोग नैरेटिव सेट नहीं करते। हम नैरेटिव सेट किए ना, बोफोर्स के मुद्दा जब ऐसे आ रहा है तो हम भी रफाइल के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, हम भी प्रश्न पूछेंगे बेरोजगारी का क्या हुआ, हम भी पूछना चाहते हैं किसानों का क्या हुआ, जो एमएसपी डबल करने का बात था वो तो एक टीवी चैनलों ने खुलासा कर दिया कितना डबल हुआ कैसे डबल हुआ, तो ये तो हम सेट करना चाहते हैं। ये बीजेपी बार बार घुमा फिरा के गोल गोल घूम रहा है, कभी राजीव गांधी पे कभी राम मंदिर पे, लेकिन कभी ये नहीं बोल रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का ये जो दाम है ये क्यों बढ़ी है, ये गैस का दाम आज 1000 रुपया छूने लगा क्यों, क्यों बेरोजगारों के पास काम नहीं है, क्यों प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि पकौड़ा तलो पकौड़ा बेचो, ये सवाल कौन करेगा, जो करेगा वो 2% का गुंडा बनेगा, ये 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 नतीजा देखना पड़ेगा। लेकिन प्रबीर राजनीतिक मंचों क्या से किए उसका जवाब मांग रहे देशवासी, राजनीतिक मंचों से आपके नेता या विपक्ष के बड़े नेता इन मुद्दों को उठाने में आखिर नाकाम क्यों नहीं हुए? ठीक है, आप मीडिया को एक अब हमेशा ही तो ये तो चलन बन चुका है कि आप हर चीज का ठीकरा मीडिया के सर पर फोड़ दीजिए, मंच पे बोल रहे हैं, अगर 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 आपके मुद्दों में दम है तो जनता, हम हर राजनीतिक, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, हम हर एक मंच पे बोल रहे हैं कि हमारे 10 करोड़ लोगों का नौकरी का क्या हुआ, हम बोल रहे हैं किसानों का, किसान नंगे पैर चल क्यों रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं हम ये सब, लेकिन ये सब टीवी कवरेज में नहीं आता है, ये टीवी कवरेज दूसरा आदमी दूसरे हिसाब से खरीद के रखे हैं, ये कवरेज में नहीं आता है, तभी ये देशवासी के पास नहीं पहुंचता है। देशवासी के पास पहुंचता है कि 30 साल पहले गुजरे हुए प्रधानमंत्री क्या किए उनके बारे में चर्चा, हम इतिहास में रहेंगे या वर्तमान में रहेंगे, 5 साल क्या हुआ उसका जवाब मांग रहे देशवासी, 5 साल में अच्छे दिन कहां गए, क्या हुआ नोटबंदी करके फायदा, कितना काला धन वापस आए, ऑलराइट वंदना जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, वंदना आप तो मीडिया को सवाल करना चाहिए, आपने भ्रष्टाचार के माध्यम से वो वेस्ट बंगाल की जनता तक क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं, शारदा चिट फंड में जो पैसा खाया आप लोगों ने भ्रष्टाचार के माध्यम से, सीबीआई क्या कर रहा है, जनता का पैसा गरीब जनता क्या कर रहे हैं, आपका सीबीआई 5 साल में और आप बीच में टोकते हैं, सही बात है, मैं भी आपको टोकूंगा, लेकिन आपका सीबीआई 5 साल में क्या किया, आप सीबीआई को नाकाम बोल रहे हो, ठीक है, ऑलराइट वंदना हमारे साथ जुड़ चुकी है, वंदना वंदना योर टेक, मैं आपका रिएक्शन बड़ी ईमानदारी से जानना चाह रहा था कि क्या नैरेटिव सेट करने में विपक्ष इतना कमजोर नजर क्यों आ रहा है, पता आप बार बार गोल पोस्ट चेंज करने की बात आप बोलते हैं कि प्रधानमंत्री बार बार गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, बीजेपी बार बार गोल पोस्ट चेंज कर रही है, लेकिन जनता ये कह रही है कि नए मुद्दे उठाए जा रहे हैं, नए तरीके से विपक्ष को घेरा जा रहा है और विपक्ष उन मुद्दों पर सिर्फ व्यक्तिगत आरोपों पर उलझ कर रह गया है, क्या ये बात सही है मेरी, आपके कुछ मुद्दे हैं जो जमीन पर काम भी करते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, मैं आपकी इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ, ये आवाज़ जनता की नहीं है, ये भाजपा वाले बोल रहे हैं, और इनको कहिए मुद्दों पे बात करें, अच्छे दिन पे बात करें, किसानों के हालात पे बात करें, बेरोजगारी पे बात करें, भुखमरी पे बात करें, भुखमरी में आज हमारे देश का नंबर जो है 103 पे हैं हम, जो कि 2014 में 51 या 55 पे थे, मुद्दों पे बात करें ना, राजीव गांधी यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं और ना ही नेहरू जी ना ही इंदिरा गांधी लड़ रही हैं, मैं हालांकि यहाँ सपा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, लेकिन इनको ये बता दूं 23 तारीख को इनको ये पता चल जाएगा कि जनता क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती, जनता इसका जवाब चाहती है, ये इस तरह जनता को भटकाने और बड़गलाने का जो काम कर रहे हैं, कभी पंजाब को ला रहे हैं, कभी कुछ ला रहे हैं, ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, तो नैरेटिव कौन फिक्स कर रहा है, मुद्दों से कौन भटक रहा है, भाजपा जा रही है, क्योंकि इनके पास इनका कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है जनता को देने को, कुछ बताने को नहीं है, जब इनके पास कुछ, ये पहला हमारा लोकसभा का चुनाव होगा जहां पे कोई मुद्दा नहीं है रूलिंग पार्टी के पास, भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है कि बता सके, ठीक है, और कोई इनकी रिपोर्ट कार्ड नहीं कि जनता को दिखा सके, सिवाय इनको इन्होंने वादों के और क्या दिया है जनता को। ऑलराइट प्रोफेसर कपिल कुमार, एक इंपॉर्टेंट मुद्दा पंजाब का जिक्र यहाँ पर किया है, नए नए वादे, वंदना ने पंजाब का यहाँ पर जिक्र किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहले कहा कि अगर अगर आप चाहें तो आप दिल्ली में आकर लड़े पंजाब, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये आरोप बीजेपी पर सही है कि पंजाब और दिल्ली जिनके लिए 1984 का मुद्दा बड़ा संवेदनशील है, क्या बीजेपी ने, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
बिल्कुल सोच समझ कर ये बयान दिया है, क्योंकि उनके लिए बड़ा संवेदनशील मुद्दा है 84 का मुद्दा, तो क्या उनकी नजर में दिल्ली और पंजाब की सीट से? मैं मुझे एक मिनट दे दीजिए, सुनिए। श्योर। जिस तरीके से पंजाब और इस देश के इतिहास में जनरल डायर का नाम लिखा हुआ है कि उसने हजारों मारने के बाद में जलियांवाला बाग में फिर भी जाके ये कहा था कि मैंने जो किया था ठीक किया था, हंटर कमेटी में कहा था उसने जाके, उसी तरीके से एक बयान इस देश के इतिहास से कभी कोई नहीं मिटा पाएगा जो बयान आया था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती में भूचाल आता है, और उसके बाद में जो हजारों कत्ल हुए दिल्ली, दिल्ली में ही 3,500 कत्ल हुए, सरकार किसकी थी, जिम्मेवारी किसकी थी? और आज भी वो इशू इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि 1884, 16 और 19 35 साल हो चुके हैं, आज भी उन कातिलों को 1884 के सिख दंगों के कातिलों को सिर्फ एक हाथ को सजा हुई है, किसी को सजा नहीं हुई है, कोर्टों के अंदर मुकदमे चल रहे हैं, पुलिस से गवाह खराब कराए गए, गवाहों को दबाया गया, पूरी जुडिशरी और पंजाब में एक लंबे वक्त तक, पंजाब में तो अभी भी कांग्रेस की सरकार है, दिल्ली में एक लंबे वक्त तक कांग्रेस की सरकार रही। जरा चर्चा कीजिए, देखिए आप इतिहास का चर्चा कर रहे हो, मैं यहां कांग्रेस, अरे यार प्रोफेसर कपिल, चुप कर, मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोला था प्रोफेसर कपिल, यस गो अहेड, नहीं 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 सर, मेरा आरोप, आई डिडंट इंटरवीन इन यू, प्लीज बीच में ना बोले प्रोफेसर कपिल, ऑलराइट प्रोफेसर कपिल, आई कैन बी अ बिगर गुन देन यू टू ट्रीट पीपल लाइक यू, प्रोफेसर कपिल मेरा सवाल ये है सर आपसे, आप मुझे धमका नहीं सकते, नहीं नहीं बीच में नहीं, आप धमका नहीं सकते हो बीच में, नहीं आप किसी को धमका नहीं सकते, तो आप रहे हैं गुंडागिरी, आप कर रहे हो, मार रहे हैं, कत्ल करवा रहे हैं, प्रवीर एक मिनट, आप भी मुझको कत्ल करवा देंगे, हम सवाल पूछे, हम सवाल पूछे, ऑलराइट ऑलराइट काम डाउन सर, आप मेरे बीच गोधरा का बात क्यों नहीं कर रहे हो, आप मेरे बीच में मत बोलिए, ऑलराइट प्रोफेसर कपिल, डैम गून ऑफ टीएमसी, ऑलराइट कूल डाउन सर, डोंट ट्राई टू शॉट माय माउथ यार सर, शांत, ये बंगाल तुम्हारा नहीं है, ऑलराइट सर शांत, सर शांत, मैं दिल्ली के स्टूडियो में बैठा, एकदम एक मिनट, एक मिनट, तुम्हारे कलकत्ता में नहीं बैठा, एक मिनट सर, एक मिनट सर, प्रोफेसर कपिल पर हिम्मत है तो, प्रोफेसर कपिल, प्रोफेसर कपिल ऐसे ऐसे आप ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं, ये टेलीविजन के तरीके से, ऑलराइट ऑलराइट प्रवीर, एक मिनट, टेलीविजन में गुंडागिरी मत, ऑलराइट ऑलराइट प्रवीर एक मिनट शांत हो जाइए, प्रोफेसर कपिल एक मिनट शांत हो जाइए, एक मिनट शांत हो जाइए, देखिए आप मुझसे मुखातिब हो, तरीका है बीच में कोई नहीं टोकेगा किसी का, मेरा सवाल आपसे प्रोफेसर कपिल ये था कि आपने कहा कि 3,500 सिखों का जो कत्ल हुआ था उसके दाग जो है वो आज भी कांग्रेस के दामन से नहीं छूटे, मेरा सवाल ये है कि उसके बावजूद दिल्ली में एक लंबे वक्त तक कांग्रेस की सरकार रही और पंजाब में आज की भी सरकार है, तो क्या आपको लगता है ये नैरेटिव अगर उठाया जा रहा है तो क्या पंजाब और दिल्ली के वोटर्स को ही मुखातिब है ये नैरेटिव, और क्या इससे वाकई में कोई ग्राउंड लेवल पे कोई फायदा हो पाएगा, इतने पुरानी बात को क्या आज भी सिख लोग अपने जहन में हैं या अब ये मुद्दा उन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं रहा, आपका आकलन क्या कहता है? दीपक जी एक बात बताऊं मैं आपको, मैंने कई चुनावों में विश्लेषण किए हैं, चुनावों के अंदर आज बहुत सी बातें ऐसी उठती हैं जो 1947 में हुई थी, सावरकर को लेकर के ना जाने क्या क्या टिप्पणियां की जाती हैं, किसी चीज को लेके वो बार बार बयान दिए जाते हैं कि साहब ये इन पे तो कोई वो राष्ट्रवादी नहीं था, ये अंग्रेजों से मिले हुए थे, पूरे नैरेटिव्स जो ये बनते हैं, इन नैरेटिव्स को क्यों बनाया जाता है चुनावों के अंदर किसी भी पार्टी की तरफ से, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, सब पार्टियों की तरफ से नैरेटिव्स जो है ये देख करके बनाए जाते हैं क्योंकि इस समय मुद्दा इलेक्शन होता है और वोट होता है, तो हम वोटर को किस उससे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कुछ लोग सेंटिमेंटल बात करते हैं, कुछ लोग सोशल बात करते हैं, कोई कल्चरल बात करता है, कोई इश्यूज पे बात करता है, तो इसलिए ये कहना कि ये स्टेटमेंट्स और ये नैरेटिव्स पॉलिटिकली इंपैक्ट नहीं करेंगे या ये नहीं समझा, ये समझा जा रहा है कि इनका पॉलिटिकल कोई इंपैक्ट नहीं होगा या नहीं होगा, ये एक इस मुद्दे की बात नहीं है क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने हिसाब से नैरेटिव बताती है, मैंने अभी एक एग्जांपल दिया हाँ। कि उस नैरेटिव को आप देखिए कि ममता जी ने पार्लियामेंट के अंदर कागज फाड़े थे कि जब तक बांग्लादेशियों को बंगाल से बाहर नहीं निकाला जाएगा, सबको याद है वो चीज, और आज नैरेटिव क्या है कि बांग्लादेशी अंदर बाद में कूदता है उसके लिए राशन कार्ड पहले बन जाता है, ठीक है प्रबीर, ठीक है प्रबीर, प्रबीर को रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं के इतिहास से राजीव गांधी जी का वो स्टेटमेंट कि अगर एक बड़ा पेड़ गिरता है तो प्रोफेसर कपिल प्रबीर को सुन लेते, कभी नहीं मिट सकता इतिहास से, ऑलराइट प्रबीर गो अहेड, मेरा संक्षेप में, मेरे समय पे आप क्यों टोक रहे हो,
ऐसा है कि हम आज भी जो बांग्लादेशी घुसपैठी है उनके खिलाफ है, हम चाहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी अपने देश में ना रहे, आज भी है, लेकिन ये चुन चुन के सिर्फ सिख रहेंगे, जैन रहेंगे, बौद्ध रहेंगे, हिंदू रहेंगे, खाली मुसलमान भगाएंगे। भगाना है तो आप सबको भगाओ, सबको भगाना पड़ेगा। जाति धर्म के नाम पे ये राजनीति करना बंद करो। वोट बीजेपी तो कहती है आपको वोट मांगने के लिए भी बांग्लादेशियों का सहारा चाहिए। नहीं नहीं नहीं, कोई सवाल नहीं है, बांग्लादेशी का सहारे का जरूरत नहीं होता है। हम पाकिस्तान का प्रधानमंत्री का सर्टिफिकेट लेके नहीं आए कि मोदी जी अच्छे हैं। हम पाकिस्तान का सर्टिफिकेट नहीं चाहते, बांग्लादेश का सर्टिफिकेट नहीं चाहते। जैसा गुंडागिरी आज टीवी में देख रहे हो, सेंट्रल फोर्स बंगाल में आके बंगाल का टीएमसी का कैंडिडेट प्रसून बनर्जी को आके पीटता है, कैंडिडेट को पीटता है, ये चल रहा है देश में। आरोप तो देखिए देशवासी को मालूम होना चाहिए, बंगाल की हिंसा के लिए आप पर भी आरोप, आप पर ज्यादा आरोप लगे हैं। पश्चिम बंगाल में एक भी चरण हिंसा से अछूता नहीं रहा है सर, और सिर्फ आरोप है ये सेंट्रल फोर्स में सर, सेंट्रल फोर्स सिर्फ दीपक जी सिर्फ छठे चरण में सर, एक बार सुन तो लीजिए, सिर्फ छठे चरण में कर रहे हैं। यहाँ चुनाव आयोग ने ये फैसला क्यों लिया कि वहां पर लोकल पुलिस नहीं रहेगी, सिर्फ सेंट्रल फोर्स रहेंगी? आप बताइए, पांच चरणों तक कौन था वहां पर? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? स्टेट पुलिस किसकी है सर? राज्य की कानून व्यवस्था किसके ऊपर है सर? विरोध कभी किया क्या? हम सेंट्रल फोर्स का, अब भी तो राजनीति कानून व्यवस्था सब कुछ इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, फिर आप क्यों हिंसा हो रही है? आप तो बंगाल गवर्नमेंट का हाथ में नहीं रहा प्रशासन, तो आप क्यों हिंसा हो रही है, क्यों प्रार्थी, क्यों कैंडिडेट को पीटा जा रहा है, इसका जवाब कौन देगा? राजीव जेटली, टीएमसी तो कह रही है कि आपके कार्यकर्ता वहां पर पीट रहे हैं, प्लेयर को पीटा हिंसा जा रहा आपके कार्यकर्ता फैला रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता फैला रहे हैं। आपने दीपक जी, आपने गौर किया हो तो मुझे लगता है सारी डिबेट का जो सब्जेक्ट था हमारा और उसका थीम निकल के बाहर आ गया। इन्होंने कहा कि बांग्लादेश के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर अगर सिख रह रहा है, बौद्ध रह रहा है, हिंदू रह रहा है, तो बांग्लादेशी को भी रहने का अधिकार है। बहुत बिल्कुल स्पष्ट कर दिया इन्होंने, मतलब अब कहने का यह है कि अब बांग्लादेश से जो लोग लाए जाएंगे उनके सहारे वेस्ट बंगाल की राजनीति चलेगी। मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी इन्होंने स्पष्ट कर दिया, जवाब नहीं दे, आपके पास जवाब नहीं है। नहीं, आपने स्पष्ट कर दिया, आपका कहने का मतलब है अब हमारा देश बांग्लादेश के बांग्लादेश के इशारे पे चलेगा। ममता बनर्जी बांग्लादेशी वोटर को पहली प्राथमिकता देंगी, हमारे देश के वोटर को दूसरी प्राथमिकता देंगी, ये भी नहीं बता। हमारे 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 जो नेत्री है, अब मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है। वेस्ट बंगाल का एक आदमी देख रहा हूँ, आप लोगों का एजेंडा क्या है, आप चाहते क्या है? आप वेस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल के लोगों को बाहर निकाल के बांग्लादेशियों को बसाना चाहते हैं, ये आपका एजेंडा है? ये बात वेस्ट बंगाल के एक एक जनता तक ये संदेश जा रहा होगा। आप लोगों ने जो प्रक्रिया अपनाई है, आपने ही देश के अंदर दूसरा देश बनाने की, इस्लामिक देश बनाने की, उसका जवाब वेस्ट बंगाल की जनता आपको वेस्ट बंगाल में बेहतर तरीके से देगी। ऑल राइट, इस नोट पर, जनता के नोट पर थोड़ा सा अब हम कड़क सवाल का जवाब भी लेते हैं, देख लेते हैं देश की जनता क्या कह रही है। हमने देश की जनता से, अपने व्यूवर्स से कड़क सवाल पूछा था। आई एम सॉरी सर, मैं आपको टोक रहा हूँ, मेरे पास वक्त इतना ही है, मैं टोक रहा हूँ आप सभी को विद सॉरी। क्या राजीव गांधी के भ्रष्टाचार का जिक्र करके बीजेपी को फायदा होगा? देखते हैं देश की जनता इस पर क्या राय रख रही है। 68% कहते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं फायदा होगा, क्योंकि शायद उनके पीछे ये मकसद हो सकता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत तौर पर घेरा गया था, चौकीदार चोर है कहा गया, इसलिए उसने उन्हें पलटवार किया, तो शायद इसलिए उसका फायदा मिलेगा बीजेपी को। 68% लोग ये मानते हैं। 32% लोग ये मानते हैं कि बीजेपी को राजीव गांधी के भ्रष्टाचार का जिक्र करके कोई फायदा नहीं होगा। तो ये प्रतिक्रिया है हमारे देश की जनता की। इसी के साथ हम देश की बात की आज की चर्चा यही खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव जेटली, विकास गुप्ता, वंदना सिंह, प्रबीर विश्वास, प्रोफेसर कपिल कुमार, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से कह दूं, मुझे बार बार ये कहने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमारे शो के दौरान प्रबीर ने एक आपत्तिजनक इस्तेमाल किया बयान का। हम फिर से कहना चाहते हैं कि हमारे मेहमानों की व्यक्तिगत राय है, हम इसकी हमारी उनके व्यक्तिगत राय की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन बाकी खबरों के लिए देश और दुनिया की आप बने रहिए लगातार जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।